हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं ऊ जीनेसिस। अच्छा जी, तो सबसे पहले ऊ जीनेसिस को डिफाइन करते हैं। ऊ मतलब एग और जीनेसिस मीन जनरेशन, तो इस लफ्ज से ही आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ एग, या आप लोग दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग इन द फीमेल इज कॉल्ड ऊ जीनेसिस। अच्छा जी, इसके बरअक्स मेल में हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, दैट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये है कि टाइम के हवाले से कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है और ऊ जीनेसिस में कितना टाइम लगता है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमारे पास जब भी मेल फ्यूबलिटी को पहुंच जाता है तो उसमें जो है जल्दी से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट भी हो जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि डेली बेस पर हमारे पास 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हमने इस चीज को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, अब अगर ऊ जीनेसिस का आप लोगों से कोई पूछे कि ऊ जीनेसिस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है तो आप लोगों ने क्या आंसर करना है। ऊ जीनेसिस प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये एक दिन दो दिन में कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस जो है इट टेक्स ईयर्स। कितना टाइम लगता है, मां के पेट से लेकर प्यूबर्टी तक पहुंचने तक इतना ही टाइम लगता है, मतलब 10 to 14 years। प्रोसेस जो है ये कब स्टार्ट होता है, फीटल पीरियड ऑफ द अनबॉर्न फीमेल, और खत्म कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम। अच्छा जी, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग कि हाउ ओजेनेसिस टेक्स 10 to 14 years। देखिए जी, हमारे पास जो होती है ना, जब एक फीमेल की बर्थ होती है तो वो पहले तो माँ के पेट में अनबॉर्न स्टेट में होती है, मतलब अभी वो पैदा भी नहीं हुई। एक फीमेल है जो अभी पैदा भी नहीं हुई, माँ के पेट के अंदर है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि अनबॉर्न फीमेल, या मैं कह सकता हूँ कि फीमेल फीटस। अब फीमेल फीटस जो है उसके अंदर भी तो ओवरीज होती है, और कुदरत ने उस फीटस के अंदर जो है ऊ जीनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ होता है, जो अभी माँ के पेट के अंदर है उसमें जो है इतना पहले जो है उसमें ऊ जीनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, अब जो अनबॉर्न फीमेल है, आप लोग कह सकते हैं कि जो फीटस फीमेल है माँ के पेट के अंदर, उसमें हमारे पास होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अच्छा जी, तो अनबॉर्न फीमेल के ओवरीज में क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं। ये मैं उस फीमेल की बात कर रहा हूँ जो अभी माँ के पेट के अंदर है, फीटस स्टेट में है, उसकी ओवरीज में कौन से सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये बहुत ज्यादा उगुनिया इससे बन जाती है। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये माँ के पेट के अंदर एक फीमेल के अंदर हो रहा है, सही है, उसकी ओवरीज में हो रहा है। अच्छा जी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से उगुनिया बन जाते हैं। अच्छा जी, अब उगुनिया जो है वो प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाती है, डेवलप हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा जी, अब प्राइमरी ओसाइट जो होती है ये डेवलप करना चाहती है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसको अरेस्ट किया जाता है, मतलब स्टॉप किया जाता है इसकी फर्दर डेवलपमेंट। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो फीटस फीमेल है, यानी कि अनबॉर्न फीमेल है इन द मदर वूम्ब, उसके अंदर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ओजेनेसिस कहाँ तक हो चुकी है, प्राइमरी ओसाइट स्टेज तक हो चुकी है। और प्राइमरी ओसाइट जब अरेस्ट की जाती है, स्टॉप की जाती है, तो वो किस फेज में होती है, तो उस फेज को हम कहते हैं प्रोफेज वन ऑफ मियासिस वन, प्रोफेज वन ऑफ मियासिस वन। अच्छा जी, अब प्रोफेज वन में जो है उसको क्या क्या किया जाता है, प्राइमरी ओसाइट को अरेस्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है कि अभी आपने बढ़ना नहीं है, अब ये फीमेल जो है ये इसकी बर्थ हो जाएगी फिर भी ये डेवलप नहीं होगी। जब ये फीमेल हमारे पास प्यूबर्टी तक पहुंच जाएगी तो आगे इसकी फर्दर डेवलपमेंट इनटू द ओवम हो जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना ज्यादा टाइम लगता है ओजेनेसिस कंप्लीट होने में, कि ओजेनेसिस प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है एक अनबॉर्न फीमेल में जो अभी मां के पेट के अंदर है, उसमें ओवरीज तो होगी, जाहिर बात है उसमें ओवरीज होगी जो अभी पैदा भी नहीं हुई, तो उन ओवरीज में जो अभी पैदा भी नहीं हुई उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल उगुनिया में डेवलप हुई है, उगुनिया जो है वो प्राइमरी ओसाइट में, और प्राइमरी ओसाइट को जो है प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस में जो है उसको क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है कि अभी बस आगे आपने डेवलप नहीं होना है, अब छोड़ दो, बस यहां पर स्टॉप हो जाओ। कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। क्यों स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर आगे डेवलपमेंट होगी भी तो उसमें तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती ना, जाहिर बात है वो तो अभी माँ के पेट के अंदर है, तो उसको क्या किया जाता है, बर्थ की जाती है, प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, तो प्यूबर्टी में फिर ये क्यों ओवम में डेवलप हो जाती है, तो वो आप लोगों को मैं यहां से पढ़ा देता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि ये उस फीमेल की ओवरीज है जो अभी पैदा भी नहीं हुई, तो यहां तक डेवलपमेंट होती है उसमें। अच्छा जी, अब क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल दे आर डेवलप्ड इनटू द ओगुनिया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। देखें यहां पर देखें उगुनिया में क्या हो गई इसकी डेवलपमेंट, तो आप लोगों ने प्राइमोर्डियल जर्म सेल उगुनिया। अच्छा जी, प्राइमोर्डियल सेम उगुनिया में क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। अब उगुनिया क्या है, व्हाट इज उगुनिया, उगुनिया आर डिप्लॉइड स्टेम सेल ऑफ द ओवरीज। ये क्या है, स्टेम सेल जिससे आगे पर तो डेवलपमेंट होती है, और ये क्या है, ये डिप्लॉइड है, स्टेम सेल है, डिप्लॉइड है। व्हाट इज उगुनिया, उगुनिया आर द डिप्लॉइड स्टेम सेल इन द ओवरीज। अच्छा जी, अब ओगुनिया को जो है हमारे पास ये कहाँ पर पड़ी हुई है, एक न्यूट्रिएंट रिजर्वायर में पड़ी हुई है, और इसमें जो है आगे क्या होगी, ये जो है इसमें आगे अब फर्दर डेवलपमेंट होगी। ओगुनिया कहाँ पर कैसे डेवलप होगी, ये देखें, हमारे पास थ्रू माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ओगुनिया डेवलप इनटू द प्राइमरी ओसाइट। किस चीज में ये डेवलप हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है प्राइमरी ओसाइट तक।
अच्छा जी, चूंकि हमारे पास उगोनिया में माइटोसिस हुआ है, तो माइटोसिस में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इसीलिए प्राइमरी ओसाइट जो है ये क्या रहेगी, ये भी 2n यानी कि डिप्लॉइड रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि उगोनिया आर डिप्लॉइड, सॉरी उगोनिया भी तो डिप्लॉइड है लेकिन प्राइमरी ओसाइट आर डिप्लॉइड क्योंकि इसमें माइटोसिस हुई है। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब उगोनिया में डेवलप होती है तो ये भी क्या होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो दे आर डिप्लॉइड। उगोनिया से फिर ये जब प्राइमरी ओसाइट बनता है, ये भी किस चीज के प्रोसेस बनता है, थ्रू माइटोसिस। तो देखें माइटोसिस, तो पहले हमारे पास 2n होते हैं, तो 2n रिमेन कांस्टेंट इन द प्राइमरी ओसाइट। अच्छा जी, अब प्राइमरी ओसाइट जो है उसको अरेस्ट किया जाता है स्टार्ट एंड प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, जो मैंने आप लोग को अभी बता दिया। तो एक फेज जो है हमारे पास फीटल पीरियड में जो भी डेवलपमेंट होती है तो हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा जी, अब प्राइमरी ओसाइट क्या है, प्राइमरी ओसाइट, व्हाट इज प्राइमरी ओसाइट। देखो ये बात आप लोग की बुक में भी मेंशन है और आप लोगों ने इसको गौर से देखना। अच्छा, प्राइमरी ओसाइट जो होती है ना, इसके इर्द गिर्द ऐसे देखो फॉलिकुलर सेल होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल, ये बात रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल सराउंड द प्राइमरी ओसाइट, ये अंदर जो है रेड कलर की, ये प्राइमरी ओसाइट है। इसके इर्द गिर्द क्या है, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल, और जब सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल जो है प्राइमरी ओसाइट को सराउंड कर देते हैं, ये क्या है अंदर रेड कलर का प्राइमरी ओसाइट, जब इसको सराउंड, तो इसको फिर हम कहते हैं प्राइमरी पॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पॉलिकल। तो प्राइमरी पॉलिकल और प्राइमरी ओसाइट में क्या फर्क है, प्राइमरी ओसाइट को जब सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल उसको सराउंड कर देते हैं, तो फिर इसको हम जो है फॉलिकुलर सेल समेत, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं प्राइमरी पॉलिकल। अच्छा जी, अब जो है हम कहाँ पर आ जाते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज पर, फीमेल पैदा भी हो गई और जो है 10 टू 14 इयर्स के दौरान जो है उसका जो प्राइमरी ओसाइट था, अब उसकी फर्दर डेवलपमेंट हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब प्राइमरी ओसाइट जो प्रोपेज वन ऑफ मियोसिस में क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, अब वो क्या, जो प्यूबर्टी के टाइम जब हार्मोन रिलीज हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर, तो हमारे पास प्राइमरी ओसाइट जो है वो सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो जाती है, किस चीज़ में, सेकेंडरी ओसाइट, और दूसरा हमारे पास बन जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी जिसके अंदर बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा जी, अब सेकेंडरी ओसाइट में ये डेवलप हो चुकी है, प्राइमरी ओसाइट डेवलप इनटू सेकेंडरी ओसाइट। अब सेकेंडरी ओसाइट जो है उसमें कितने क्रोमोसोम, यहाँ पर हमारे पास अब मियोसिस स्टार्ट हो गया। अच्छा, प्यूबर्टी में हमारे पास क्या हो रहा है, मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्रोमोसोम कितने होंगे, एन नंबर। अब इसमें हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे, एन नंबर। अच्छा जी, अब सेकेंडरी ओसाइट जो है फाइनली मियोसिस टू उसके अंदर जब हो जाती है, मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, मियोसिस टू में जो है फर्दर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, रिमेन कॉन्स्टेंट होती है, तो इसलिए मियोसिस टू में भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ओवा के अंदर। अच्छा जी, तो देखें प्यूबर्टी में हमारे पास प्राइमरी ओसाइट डेवलप इनटू सेकेंडरी ओसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस वन, मियोसिस वन में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, उसमें चूंकि क्रोमोसोम नंबर फिर से कम नहीं होते, बस इन नंबर ये है यहाँ पर, तो इन नंबर यहाँ पर भी होंगे, फर्दर रिडक्शन नहीं होगी, तो सेकेंडरी ओसाइट डेवलप इनटू द ओवम। अच्छा जी, अब इसी ये जो बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लिखा है तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लेकिन जब प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है, डेवलप होती है, तो साथ में हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन जाती है, क्या बन जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा जी, अब हमारे पास जब सेकेंडरी ओसाइट ओवम में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, डेवलप होती है, तो इसमें भी हमारे पास एक जो है पोलर बॉडी बन जाती है। अच्छा जी, और ये जो पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी जो थी वह अगेन वह किस चीज़ में, दो पोलर बॉडी में उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो आप लोगों के पास कितनी पोलर बॉडीज बन चुकी है, 1, 2, 3। तो आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि उजनेस में कितनी पोलर बॉडीज बनती है, तो आप लोगों ने क्या बताना है, 3। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि जब जो है फीमेल हमारे पास प्यूबर्टी में पहुँच गई, तो प्राइमरी ओसाइट जो है जब हमारे पास प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, तो हमारे पास कौन सा हार्मोन आ जाता है, FSH, और FSH की मदद से प्राइमरी ओसाइट डेवलप इनटू सेकेंडरी ओसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यहाँ पर माइटोसिस हो रहा था, यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर कुछ खास SH हार्मोन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर FSH आ चुका है। FSH क्यों आ चुका है, क्योंकि फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंच चुकी है, उसमें हार्मोन रिलीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी, जब ये सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो जाती है, तो सेकेंडरी ओसाइट डायरेक्टली ओवम में चेंज नहीं हो सकती, सेकेंडरी ओसाइट जो है डायरेक्टली ओवम में कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट भी की जो है उसको भी अरेस्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, कौन से स्टेज पर, मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू। अच्छा जी, हमारे पास मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू, मतलब टू, आप लोगों ने याद रखना है कौन सा स्टेज है, मेटाफेज। अच्छा जी, अब हमारे पास मेटाफेज टू स्टेज में है, ये मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू उसी स्टेज में है, और हमारे पास एक और हार्मोन जिसको हम कहते हैं LH सर्ज हो जाती है, LH हार्मोन आ जाता है, और ये सेकेंडरी ओसाइट जो है इसको ओव्यूलेटेड किया जाता है, ओव्यूलेटेड मतलब ओव्यूलेशन हो जाती है, और ये हमारे पास जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाती है, ये जो ओसाइट थी सेकेंडरी ओसाइट, ये अब कहाँ पर आ चुकी है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर इस सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म मिल जाता है तो ये ओवम में चेंज हो जाएगी, OVUM,
डायरेक्टली अपना जो मेटापेज 2 है वो जल्दी से कंप्लीट करके ओएम में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, मियासिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो स्टॉप लगा था वो स्टॉप अब खत्म हो जाएगा क्योंकि स्पर्म आ चुका है, स्पर्म आ गया, स्टॉप खत्म हो गया, सीधा से इसको ओएम में चेंज कर दिया। अब ओएम जो है, ओएम के अंदर बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, क्यों, क्योंकि अब जो है उसको उसने 6 to 7 डे ट्रेवल करना है आगे यूट्रस तक पहुंचने के लिए, तो इसीलिए इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो होपफुली आप लोग को जो है ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सारे का सारा प्रोसेस अब जो है बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी। देखो, हमारे पास एक फीमेल है जो अभी बर्थ भी नहीं हुई, उसकी उसके माँ के पेट के अंदर उसकी ओवरीज में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस उगुनिया में डेवलप हो जाते हैं। व्हाट इज उगुनिया, उगुनिया जो है वो क्या है, डिप्लॉइड सेल है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एंड दे आर स्टेम सेल, ये बात याद रखनी है। अब उगुनिया में फिर से हमारे पास माँ के पेट के अंदर जो है क्या हो जाता है, माइटोसिस, और वो जो है प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाती है। लेकिन प्राइमरी ओसाइट को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है एट द स्टेज प्रोपेज 1 ऑफ मियासिस 1, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्योंकि ओगोनिया में भी माइटोसिस हुआ है बिफोर बर्थ जो है, फीटल पीरियड में हमारे पास माइटोसिस ही होता है, तो इसीलिए हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्राइमरी ओसाइट के अंदर भी होंगे। अच्छा जी, अब प्राइमरी ओसाइट के अंदर अब फीमेल पैदा हो चुकी है, उसमें अब जो है हार्मोन भी आ चुके हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो अब प्राइमरी ओसाइट जो है जब FSH उसको मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओसाइट, वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओसाइट। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है पोलर बॉडी भी बनती है, लेकिन वो जो है हम इतना ज्यादा डिटेल में उसके नहीं जाते। अच्छा जी, तो क्या बन गया प्राइमरी ओसाइट से, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओसाइट। अब सेकेंडरी ओसाइट जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। अच्छा जी, और वो जो है हमारे पास मेटाफेज 2 स्टेज में जो है मियासिस 2 उसको अरेस्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जब ये इसको स्टॉप किया जाता है मेटाफेज 2 स्टेज में, तो LH हार्मोन आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ LH सर्ज। LH सर्ज जो है वो ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो LH सर्ज की मदद से ये जो है ओव्यूलेट हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में जाएगी। फैलोपियन ट्यूब में अगर इसको स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है, तो ये सीधा से डायरेक्टली मियासिस 2 कंप्लीट करेगा, मेटाफेज 2 जो है वो आगे बढ़ जाएगा और ओएम बन जाएगी बाय द कंप्लीशन ऑफ मियासिस 2। अब लार्ज ओएम बन चुकी है, ओएम के अंदर स्पर्म ने भी अपना वो डाल दिया, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ओएम के अंदर हमारे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आप लोग देखें सेकंड स्टेज में फिर ये जो है ये भी एक पोलर बॉडी बना देता है, ये भी एक पोलर बॉडी बना देता है, और यहाँ पर जब ये ओएम में चेंज हो जाती है तो इसके साथ भी एक पोलर बॉडी बनती है, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये असल चीजें याद रखनी है। अच्छा जी, ये जो अनइक्वल जो पोलर बॉडी बनती है उसमें क्यों जो है बहुत ज्यादा कम साइटोप्लाज्म जाता है, क्योंकि वो उसके साथ वो वैसे भी उसने डिटेरियोरेट ही होना है, खत्म ही होना है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन ओएम के अंदर क्यों ज्यादा साइटोप्लाज्म जाता है, क्योंकि 6 से लेकर 7 दिन तक जर्नी होती है ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करके यूट्रस पहुंचने के लिए, तो उसको खुराक चाहिए। अच्छा जी, आप लोग जो है इस तरह का एक चीज जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज पॉलिकल और ओसाइट में। अच्छा जी, तो देखो आप लोग को यहाँ पर ओजेनेसिस का प्रोसेस जितना भी था हमारे, हमने डिस्कस किया कि ओगोनिया होती है, फिर प्राइमरी ओसाइट जो है प्रोपेज 1 में जो है वो अरेस्ट हो जाती है, फिर जब बच्चा पैदा होगा मतलब एडल्ट स्टेज में जाएगा तो प्राइमरी ओसाइट जो है वो फर्दर जो है सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी बनाएगी, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फिर रिलीज हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। अच्छा जी, और इसका जो मेटाफेज 2 में वो अरेस्ट हो चुकी है, तो फिर वो कंप्लीट होकर हमारे पास एक जायगोट बन जाएगा, ओएम बन जाएगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, तो प्रोसेस हमने ऑलरेडी पड़ा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आप लोग देखिए यहां पर पॉलिकुलर डेवलपमेंट के उसमें भी लिखा हुआ है पॉलिकल क्या होते हैं। देखो हमारे पास ये जो उगुनिया होती है ना, उगुनिया इसके इर्द गिर्द हमारे पास सेल्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द देखो जब हम इर्द गिर्द की सेल जो है सराउंडिंग सेल यानी कि बॉडीगार्ड सेल की बात जब हम करेंगे ना, तो उसको फिर हम पॉलिकल कहते हैं। देखें हमारे पास जो प्राइमरी पॉलिकल है, देखो प्राइमरी पॉलिकल के अंदर हमारे इर्द गिर्द एक सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल है जो आप लोग को नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप प्राइमरी ओसाइट को देखेंगे तो यहाँ पर इर्द गिर्द की कोई भी सेल मौजूद नहीं है। तो प्राइमरी पॉलिकल और प्राइमरी ओसाइट में आप लोग को फर्क होना चाहिए। अच्छा जी, प्राइमरी पॉलिकल क्या है, प्राइमरी पॉलिकल जो है उसके अंदर हमारे पास प्राइमरी ओसाइट पड़ा होता है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें ये ग्रोइंग फोलिकल, मिच्योर पोलिकल, तो फोलिकल्स असल में जो फोलिकल की हम बात कर रहे हैं ना, देखो प्राइमरी पोलिकल, ग्रोइंग पोलिकल, मिच्योर पोलिकल, तो पोलिकल के साथ साथ हम सराउंडिंग सेल का जिक्र करते हैं। पोलिकल के साथ साथ हम किस चीज़ का, जो सराउंडिंग, देखो जो सराउंडिंग सेल है जब उसकी भी हम बात करेंगे ना, ये देखो मिच्योर पोलिकल, अब मिच्योर पोलिकल के अंदर क्या होगी, सेकेंडरी ओसाइट होगी, मिच्योर पोलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट, और इसके इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा मटेरियल होता है जो कि आगे हमारे पास क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। देखो ओव्यूलेशन के जरिए मैंने आप लोग को बता दिया सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ओव्यूलेटेड हो जाएगी और कुछ बॉडीगार्ड सेल जो है, जो बॉडीगार्ड सेल थी वो रह जाएंगे। अब ये बॉडीगार्ड सेल क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ LH हार्मोन जो है इसको क्या कर देते हैं, कार्पस ल्यूटियम बना देते हैं, और कार्पस ल्यूटियम फिर क्या कर देते हैं, यहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो ये जो बॉडीगार्ड सेल है अगर हम इसका जिक्र करेंगे तो फिर हम पॉलिकल कहेंगे, और सिर्फ जो इग है तो उसका जिक्र करेंगे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ओसाइट कहेंगे। देखिए जी, यहां पर जो है एक जबरदस्त किस्म का वो बनाया हुआ है कि ये जो ऊपर का जो बैंड से ऊपर है ना चाइल्ड ओवरीज है, और फिर फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज जो है ये प्राइमरी ओसाइट से हमारे पास ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओजेनेसिस, और
होपफुली आप लोग को जो है समझ आ चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।